बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है। ओके, आज हम बात करेंगे अबाउट अ न्यू चैप्टर, और ये चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर एक बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर नीचे सुराख है, और आपने इस बाल्टी को इधर रखा और इधर एक नलका है जिससे पानी आ रहा है इसमें। अब ये बाल्टी के अंदर पानी इतना है, अब जितना पानी ऊपर से नीचे ऊपर से नलके से आ रहा है इधर, इतना ही पानी इधर बह रहा है। तो मतलब ये कि पानी ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, उधर ही है। लेकिन एक चीज हो रही है, पानी आ रहा है इधर, पानी से पानी जा रहा है। तो हम इसको कहते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनेमिक। डायनेमिक किसे कहते हैं? मोशन को कहते हैं डायनेमिक। उसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दो हैं। एक रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन है उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जब जलाते हैं ना क्या होता है? आग लगती है। एक्चुअली ये जो आग लगती है ना, इससे पहले इसमें CO2 प्लस H2O बनता है, और ये जो आपको आग नजर आती है, ये हमारी हीट होती है। ये बाई प्रोडक्ट है एक्चुअली। असल ये दो चीजें बनती है। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज को जलाते हैं, कि उससे वही चीज दोबारा बन सकती है? नहीं बन सकती। आप कपड़ा क्यों जलाए, आप कागज को जलाए, आप किसी भी चीज को जलाए, गैस को जलाए, तो क्या वो वापस बन सकती है? नहीं बन सकती है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। उसको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल। कुछ रिएक्शंस मैं बताऊंगा, आपने वो याद करने हैं, ठीक है? एक रिएक्शन माइनस रिएक्शन, जिसे मैं पूरी केमिस्ट्री एक्सप्लेन कर सकता हूं, वो रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, क्या बनेगा? 2NH3, एग्जैक्टली। ये अब देखो, इसमें क्या हमने ये लिखा, ये रिएक्टेंट से, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, और ये डबल हेडेड एरो से आप इसको जाहिर करते हैं। इसका मतलब है ये रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी। रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी, तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है और कुछ प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए कि ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब द रेट, इसको रेट कहते हैं ना, जितनी स्पीड के साथ ये बनता है और जितनी स्पीड के साथ ये बनता है, तो ये जो इधर से इधर जाता है, हम इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो वापस आ रहा है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम कहते हैं दिस इज द स्टेज, दिस इज द स्टेज, ये स्टेज है। यहां पर क्या होता है? दिस इज द स्टेज वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड। हाँ, ये डायरेक्शन रेट्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये वो टाइम है ना, ये जो लाइन सीधी हो जाती है, ये जो लाइन है यहां पर सीधी हो जाती है, ये जगह नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है आपका। अब वही समझ में क्या होता है? होता ये है जनाब कि ए एंड बी ये जो है, ये आपके रिएक्टेंट्स है, क्या है? और ये रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में विद द पैसेज ऑफ टाइम।